कहते हैं कि महात्मा एक ऐसा शब्द हुआ करता है, संत एक ऐसा शब्द हुआ करता है जिन्हें कभी क्रोध नहीं आता है। और जिस महात्मा के अंदर क्रोध हुआ करता है वो महात्मा नहीं हुआ करता है। एक महात्मा जी थे, उनकी पत्नी ने एक बार उनसे एक बात कही कि महाराज जाओ कहीं से दो चार गन्ने लेकर के आओ। महात्मा जी वहां से चले, सोचने लगे। देवी जी ने कहा गन्ना लेकर के आओ। महात्मा जी वहां से चले ही जा करके एक बहुत जगह पर ईख खड़ी थी, और जब उस ईख में महात्मा जी प्रवेश कर गए तो उसमें से चार पांच गन्ने उन्होंने तोड़ करके और बांध करके रख लिए। जैसे ही उन्होंने रख लिए हैं, सर पर रखने के बाद में महात्मा जी जब आगे को चले हैं तो आगे क्या देखा है कि कुछ बच्चे खड़े हैं। बच्चों ने कहा महात्मा जी इसमें से गन्ने मुझे दे दो। महात्मा जी का हृदय बड़ा कोमल था। महात्मा जी सोचने लगे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हमसे ये गन्ने मांग रहे हैं, बेचारे कुछ तो सोच करके मांग रहे होंगे। तो महात्मा जी ने सारे के सारे गन्ने उन बच्चों को दे दिए, मगर एक गन्ना बच गया, उसको लेकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचे। और पत्नी के पास में जब पहुंचे हैं तो पत्नी ने देखा है कि महात्मा जी इतनी देर से गए, सिर्फ एक गन्ना लेकर के आए। तो पत्नी को इतनी तेजी से गुस्सा आई कि पत्नी ने वह गन्ना लिया और गन्ना लेकर के महात्मा जी के खोपड़े में मार दिया। गन्ने के दो टुकड़े हो गए। महात्मा जी ने देखा है कि हमारी पत्नी ने हमारे गन्ना मारा। तो आजकल कोई होता ना भैया लोग, अगर पत्नी ऐसा कर देती तो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता, यहां तक होता लाठी उठाता दो चार मार देता। लेकिन महात्मा जी ने हंस के जवाब दिया, अरे देवी जी तुमने बड़ा अच्छा काम किया, एक गन्ना था, हम सोच रहे थे कि अब इसे आप खाओगे कि हम खाएंगे, तो आपने अच्छा काम किया है कि गन्ना मेरे सर पे मारा, गन्ने के दो टुक हो गए, अब एक आप खा लेना और एक हम खा लेंगे। तो महात्मा जी तो बड़े सीधे स्वभाव के हुआ करते हैं, संत का हृदय ही बड़ा कोमल हुआ करता है। एक दिन महात्मा जी जब भोजन कर रहे थे, रोटी उन्होंने रख ली प्लेट में और जाकर के सब्जी और घी लेने के लिए चले गए, तब तक कुत्ता आया, उसने रोटी उठा ली, उठा के भागना शुरू कर दिया। महात्मा जी कुत्ता के पीछे पीछे भागने लगे, अरे भैया रुक तो जा, क्या ऐसी रूखी रोटी खाएगा, अरे घी तो लगा ले, सब्जी तो ले ले, क्या ऐसे ही खाएगा। तो कहते हैं कि महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। संत महात्मा आने लगे हैं, और जब संत महात्मा आने लगे यज्ञ होने लगा, वहां पर यज्ञ की सुगंध को लेकर के राक्षस लोग भी उमड़ने लगे। एक तरफ भगवान श्री राम खड़े हैं और एक तरफ लक्ष्मण भैया खड़े हैं। जैसे जैसे राक्षस आते हैं भगवान उद्धार करते जा रहे हैं।